दोस्तों आज हम ये देखेंगे जी कि पाकिस्तान में जो हिंदुओं को क्या, हिंदुओं के बारे में क्या पढ़ाया जाता है, हिंदुओं की जो हिस्ट्री वो कैसी है, सनातन धर्म के बारे में पाकिस्तानी बुक्स में क्या पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। अच्छा जी, यहाँ पर एक बात और नोट करने वाली ये है कि हमारा जो सनातन धर्म है ये देख लेंगे नंबर वन पे रखा गया है, ठीक है, नंबर वन पे हिंदू मतलब सनातन धर्म। अच्छा, लेकिन भागवत गीता और रामायण ज़्यादा मशहूर हैं, सरस्वती पर बैठना, वेद की तादाद चार है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वेद, ठीक है ना। ये है जी हमारे सनातन धर्म की डेफिनेशन, इन्होंने डेफिनेशन बताई है, ठीक है ना। तारीफ। हेलो नमस्कार एंड जय श्री राम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग जी। तो दोस्तों कैसे हैं भाई आप सब लोग, गुड मॉर्निंग हो गया जी सबको। और आज का जो व्लॉग होने वाला है जी बहुत शानदार होने वाला, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों आज का जो व्लॉग है मैं अपने खेतों में शुरू कर रहा हूँ जी, सुबह सुबह जी यहाँ पर काम करने आया हुआ था, तो आज मेरा दिल किया कि जी आज जो है अपना व्लॉग खेतों में शुरू करते हैं बहुत दिनों के बाद, ठीक है ना। अच्छा जी, ये देख ले हाथ में मेरे दांत रही है, वैसे काफ़ी दिन हो चुका है मैंने कभी खेतों में व्लॉग नहीं शुरू किया था, ठीक है ना। अच्छा जी, तो सुबह सुबह मैं आप लोगों को दिखाता हूँ जी, सबसे पहले तो खेतों का प्यारा सा हरियाला सा नज़ारा और व्यू, ठीक है ना। ये देख लें दोस्तों, ये है हमारे खेत, और देख लें भाई साहब पेड़ पौधे कितने शानदार लग रहे हैं। सामने हमारा गांव है, इस तरफ हमारा खेत है, ठीक है ना। अच्छा, तो मैं अपनी गाय के लिए भाई साहब घास काटने के लिए आया हुआ था, इधर सूरज मामू है भाई साहब, तो इसकी वजह से थोड़ा अंधेरा होता है। अच्छा ना, हमें अपनी गाय के लिए ये सारा घास काटना है, ठीक है ना। ये जितना भी घास नज़र आ भाई साहब मुझे अपनी गायों के लिए काटना है, और गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। तो लाइक नहीं किया है अभी तक अपने भाई को तो लाइक ठोक देना आप लोगों ने, ठीक है ना। लाइक ठोक देना भाई साहब, चैनल पर आए तो सब्सक्राइब भी ठोक देना है। बहुत ज़्यादा भाई साहब गर्मी हो चुकी है, और काफ़ी टाइम हो चुका है हमें यहाँ पर काम करते हुए, पसीना देख लें भाई साहब, बाल भी ख़राब हो चुके हैं। और देख लें जी, दो गनड़ियाँ मैंने यहाँ से काटी थी, यहाँ पर मैंने दिखाया था ना कि सारा का सारा घास है, ये देख लें मैंने सारा का सारा जो है काट लिया, ठीक है, यहाँ से उठा कर ले गए हैं। अभी यहाँ पर ये लड़का भी काट रहा है जी, और फिर ये भी बाद में आया था काम करवाने के लिए मेरे साथ, और तो मैं पहले जो है अकेले ही करता रहा। तो फ्रेंड्स अभी मैं तैयार हो चुका हूँ जी, खाना पीना भी कर लिया है, और अभी एक तो मुझे शहर में काम है वहाँ पर मुझे जाना है, और दूसरी बात यह है कि मैं आप लोगों के ना अच्छे से कमेंट्स जो आप लोग वीडियो में यार मेरे हर व्लॉग के नीचे इतना सपोर्ट करते, इतना प्यार दिखाते और कमेंट करते हो ना, मैं सबके कमेंट पढ़ता हूँ, मुझे पढ़कर बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है, ठीक है। भाई का ना मैंने कमेंट पढ़ा था, वो बोल रहा था कि हरचंद भाई आपके वहाँ का जो नरमा कपास होता है ना उसके बारे में डिटेल से एक व्लॉग बनाओ, ठीक है ना। तो हाँ, टाइम मिला तो मैं ज़रूर एक ना डिटेल से व्लॉग बनाऊँगा। और आजकल जो है ना कपास में जो बहुत ज़्यादा बीमारी चली वो है जी सबजतेला सफ़ेद मक्खी, सफ़ेद मक्खी और सबजतेला बहुत ही ज़्यादा है। और सफ़ेद मक्खी से ना जो कपास होती है नरमे के जो पत्ते होते हैं वजह पत्ते ब्लैक बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और वो सूख जाते हैं, जिसकी वजह से कपास को नुकसान है, ठीक है ना। इसलिए आजकल बहुत सी दवाइयाँ की जा रही है, जहरीली स्प्रे जो होती है दवाइयों की स्प्रे की जा रही है, और बहुत ज़्यादा मतलब कि ना बदबू वगैरह आती है। दोस्तों ये हम अभी हम एक गांव में पहुंचे हैं, यहाँ पर बच्चे जो है पानी लेकर जा रहे हैं। साइड पे हो, साइड पे हो, साइड पे पापा, अभी पापा नीचे दे दे। ये बच्चे पानी कहाँ से लेकर जा रहे हो? वो वाटर से। वाटर से? अच्छा, इधर आपके इधर पानी मीठा नहीं है? नहीं। पानी पीने के लिए कहाँ से लेके आते हो? उधर से, पुल 45 पुल से। किस चीज पे लेके आते हो? रेडी पे? नहीं, मोटरसाइकिल पे। ये देख लें जी, ये अभी बर्तन धोने के लिए पानी किसके लिए लेके जा रहे हो, क्या करोगे? बर्तन धोने के। बर्तन धोने के लिए जा रहे। ये बच्चे देख लें जी, स्कूल वगैरह नहीं जाते हो आप लोग? जाते हैं। जाते हैं, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? तीसरी क्लास में पढ़ते। ये पानी जो सर पे लेके जा रहे हैं, और ये पीछे मेरे खड़े आप लोग कहाँ नहाने के लिए जा रहे हो? नहाने के लिए जा रहे हैं। ये देख लें, अच्छा इतनी बड़ी ये बस्ती, इसमें कोई पानी वगैरह नहीं है मीठा? नहीं यार, ये वाला तालाब। अच्छा, ये पानी इस्तेमाल नहीं करते? कूड़ा है। अच्छा, ये वाला जो पानी ना खारा है भाई साहब। अच्छा, ये भी तालाब भरा पड़ा, फिर इसमें नहीं नहा रहे डिग्गी के लिए पानी का? आप लोग नहीं नहाते इसमें? खराब है। अच्छा, खराब है। तो आप लोग कहाँ जाओगे नहाने के लिए? वो नलके पे, पुल पे। नलके वो 45 पुल पे? अच्छा, नहर पे नहाओगे? नलके पे। भाई साहब यहाँ पर पीने के लिए पानी भी नहीं है, और नहाने के लिए भी बहुत मुश्किल है ना? मुश्किल है यार। कितने इस बस्ती में कितने घर होंगे तकरीबन? सब ऐसे भी है? नहीं नहीं, मतलब कितने घर बैठे हैं इस बस्ती में? इसमें बड़े है तकरीबन 60-50 हो जाते हैं। नहीं, 60 से ऊपर होंगे? 100-150 घर। बहुत बड़ी बस्ती है और बहुत पुरानी है। 100-150 घर होंगे भाई साहब। ये देखने बस्ती के स्टार्टिंग में ही ना, गाँव के स्टार्टिंग में एक मस्जिद है, और आगे से भाई बस्ती शुरू हो जाती है।
तो फ्रेंड्स अभी मैं पहुंच चुका हूं जी एक गांव में। ये पीछे मेरे देख सकते हैं जी, ये बहुत बड़ा गांव है। तो शुरुआत में मैंने कुछ लोगों से भी आप लोगों को मिलवाया था। दोस्तों आज के इस व्लॉग में ना जो व्लॉग बनाने का ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा खास है, जो आप लोगों ने कल के व्लॉग में कमेंट्स किए थे, मैं सारे के सारे भाई कमेंट्स पढ़ता हूं। आप लोग इतना भरपूर प्यार, इतना ज़्यादा सपोर्ट देते हो, मैं सबके कमेंट्स पढ़ता हूं और रिप्लाई करने की भी कोशिश करता हूं। और बहुत सारे लोग बहुत सारे टॉपिक सजेस्ट करते हैं, हरचंद भाई हमें इस टॉपिक पर जो है व्लॉग चाहिए, ठीक है ना। तो कल एक भाई का मैं कमेंट पढ़ रहा था और वो बोल रहा था कि हरचंद भाई आप ये बताओ कि पाकिस्तान के स्कूल में जो है हिंदुओं के बारे में, हमारे सनातन धर्म के बारे में पाकिस्तान में क्या पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। पाकिस्तान के कुछ पढ़ाया जाता है या नहीं पढ़ाया जाता है, यानी कि पाकिस्तान में सनातन धर्म को किस तरीके से बच्चों को दिखाया जाता है, आप ये बताओ, ठीक है ना। अच्छा तो मैंने पहले स्कूल में जाने की कोशिश की, मैंने स्कूल से रब्ता किया, कॉन्टैक्ट किया स्कूल वालों से कि मैं इस चीज़ के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, व्लॉग बनाना चाहता हूँ। लेकिन सरकारी स्कूल है, गवर्नमेंट के स्कूल है, तो हमें परमिशन नहीं मिली, क्योंकि प्राइवेसी पर ही होती है ना, गवर्नमेंट स्कूल की प्राइवेसी होती है, जिसकी वजह से जो हमें परमिशन नहीं मिली और पैसा हम काम नहीं कर पाए, ठीक है। फिर मैंने सोचा मैं एक गाँव में जाता हूँ और गाँव में जो बच्चे पढ़ते हैं भाई साहब, उनसे रब्ता करते हैं हम और उनसे जाकर ये पूछते हैं कि आपको जो है हमारे सनातन धर्म के बारे में क्या पढ़ाया जाता है, अगर कुछ पढ़ाया जाता भी है या नहीं पढ़ाया जाता है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने 10th तक पढ़ाई की थी, जब मैं पढ़ता था तो उस वक्त तो हमें कुछ भी नहीं हमारे सनातन धर्म के बारे में बताया जाता था, बल्कि उस वक्त कुछ ऐसा मतलब कि हिस्ट्री के बारे में बताया जाता था, हमारे सनातन धर्म की हिस्ट्री के बारे में बताया गया था और जो हमारे राजा थे हिंदू राजा महाराजा उनके बारे में भी दिखाया गया था कि वो किन किन से वो मतलब कि उन्होंने जंग की थी, कौन किन किन लोगों से हारे थे, कौन से मुसलमान राजाओं ने महाराजाओं ने यानी कि हिंदू राजाओं को हराया था। लेकिन आज के व्लॉग वो मैं आगे के व्लॉग में दिखाऊंगा ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। अच्छा लेकिन आज के व्लॉग में मैं सिर्फ अपने सनातन धर्म के बारे में बताऊंगा कि पाकिस्तान में सनातन धर्म के बारे में भी पढ़ाया जाता है या नहीं पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। हमें इस्लामियत पढ़ाई गई थी, इस्लामियत का मतलब होता है इस्लाम सिखाता है, ठीक है ना, यानी कि बच्चों को इस्लाम सिखाते हैं, हमें वो पढ़ाई गई थी। लेकिन आजकल जो है बच्चों को इखलाकियात पढ़ाई जाती है, जिनमें से सनातन धर्म के बारे में और भी बहुत सारे, जैसे कि क्रिश्चियंस के बारे में और सिख भाइयों के सिखों के मतलब के बारे में, ये सारा कुछ पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। तो आज हम सनातन धर्म के बारे में जानेंगे। मैं खुद हैरान हूँ कि भाई पाकिस्तान में और पाकिस्तानी स्कूल में सनातन धर्म के बारे में पढ़ाया जाता है और हमें क्या चाहिए, ठीक है ना। अच्छा ये गांव है जी, बहुत ही बड़ा खूबसूरत गांव है, डेजर्ट का एरिया भाई साहब। और ये देख लें जी, ये बच्चे भी हमारे साथ मौजूद है, बुक्स वगैरह भी साथ में ली हुई है। क्या नाम है आपका, नाम क्या है? सना। सना, अच्छा ये देख लें सना है। और ये भाई के भाई क्या नाम है आपका? बी कुमार कार्तिक, ठीक है ना। ये इनका गांव है जी, ठीक है। हम छाव वगैरह में बैठ कर ना, ये बुक्स इनके हाथ में है, फिर हम इन बुक्स का पढ़ेंगे और दिखाएंगे आप लोगों को, ठीक है ना। ये गांव, यहाँ पर कितने घर होंगे तकरीबन? इधर हैं तकरीबन हिंदुओं के घर है तकरीबन 60 हो जाएंगे, 60 घर हिंदुओं के, बाकी दूसरे बाकी जो है कि 1% जो मुस्लिम रहते हैं इसका, तकरीबन 100 घर होंगे सारे मिलाकर, मिक्स जो है ना 100 घर हो जाएंगे, यानी कि हिंदू और मुसलमानों को मिलाकर 100 घर तकरीबन बन जाते, यानी कि बहुत बड़ा गाँव है, ठीक है ना। और हमारे स्वागत करने के लिए एक भाई भी आया खड़ा है, ये देख लीजिए बेचारा छाँव में खड़ा है यार, इधर हमें देखकर भाग रहा है। डेजर्ट का एरिया है, इस तरफ डेजर्ट ही डेजर्ट है। ओके ओके जी, थोड़ी सी स्कूल की प्रॉब्लम है। हाँ अच्छा, स्कूल वगैरह इस गांव में है? इस गांव में था स्कूल। अच्छा, तो फंडेशन की वजह से नहीं हुआ, मतलब कि कुछ फंड वगैरह नहीं मिले, दान नहीं मिली, फिर वो स्कूल भी खत्म कर दिया। अच्छा बंद कर दिया उसको? बंद कर दिया, हालांकि इधर जो हिंदुओं के घर ना। अच्छा वो स्कूल गवर्नमेंट था या कोई प्राइवेट बनाया गया था? गवर्नमेंट की तरफ से ही था, वो खत्म कर दिया। अब खत्म है? खत्म कर दिया। अच्छा गाँव के बच्चों का, अब गाँव के जो ये बच्चे हैं छोटे छोटे, ये कहाँ पर जाते हैं? ये फिलहाल वक्ती तौर पर तो घर पढ़ लेते हैं, कुछ मतलब के हमारे यहाँ पर कुछ जो लड़के हैं ना, किसी ने मैट्रिक किए, कोई मिडिल पास है ऐसे, तो वो घर पर पढ़ाई वगैरह करवा दे, घर पर ही पढ़ाई कर लेते हैं। और इधर से हमारा स्कूल है तकरीबन 9 किलोमीटर है, तकरीबन 8-9 किलोमीटर है स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है। जो दूर पड़ता है फिर वो बच्चे नहीं जा सकते अकेले, क्योंकि घर का काम काज ये, गांव देहाती लोग ऐसे ही होते हैं। सही सही हो गया। और भाई साहब गांव में ना इस तरीके से दरख्त वगैरह लगे होते हैं हर घर के आगे, ठीक है ना। तो ये छाँव है जी, किक्कर का दरख्त है, ये चारपाई पड़ी हुई है भाई साहब, ठंडी छाँव है, यहीं पर बैठते हैं और यहीं पर बैठ कर हम जो है बुक्स वगैरह देखते हैं जी, क्या पढ़ाया जाता है। हमें डिस्ट्रिक्ट पाली के एक शाही ख़ानदान में पैदा हुई, उनके वालिद का नाम रतन सिंह था जो कि राजस्थान का हुक्मरान था, उनकी पैदाइश के। तो हमारा एक दोस्त और भी आ चुका है जो कि बहुत ही इंतहाई मतलब कि हिंदू धर्म के बारे में जानता है, तो दोस्तों इनसे भी मिलवाते हैं। बैठे हैं भाई, पहले राम राम कर लें। राम राम भाई। श्री राम। बैठे सर आप। तो ये हैं भाई, नाम आपका?
दोस्तों आज हम ये देखेंगे जी कि पाकिस्तान में जो हिंदुओं को क्या, हिंदुओं के बारे में क्या पढ़ाया जाता है, हिंदुओं की जो हिस्ट्री वो कैसी है, सनातन धर्म के बारे में पाकिस्तानी बुक्स में क्या पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। अच्छा जी, यहाँ पर एक बात और नोट करने वाली ये है कि हमारा जो सनातन धर्म है ये देख लेते, नंबर वन पे रखा गया है, ठीक है, नंबर वन पे हिंदू मतलब सनातन धर्म। अच्छा अच्छा, नंबर टू पे कौन सा है जी? नंबर टू पे है बुद्ध मत। नंबर थ्री पर क्या है? क्रिश्चियन, मसीहत। अच्छा, मसीहत है। और नंबर फोर पर है इस्लाम, ठीक है ना। और नंबर फाइव पर है सिख मज़हब, जो सिखों का मज़हब होता है। अच्छा जी, आज हम जानने वाले ये हैं हमारे मज़हब के बारे में, सनातन के बारे में, ठीक है ना। अच्छा, सनातन के बारे में क्या लिखा हुआ है वो देखते हैं जी, कि सनातन के बारे में पाकिस्तान की बुक्स में क्या लिखा हुआ है। अच्छा जी, सनातन हिंदू मज़हब, सनातन धर्म, हिंदू मज़हब एक कदीम मज़हब है। कदीम का मतलब होता है बहुत हिस्टोरिकल, बहुत पुराना, ठीक है ना। अच्छा, बहुत ही पुराना मज़हब है ये मज़हब। मोहब्बत, बर्दाश्त, हमदर्दी, कुर्बानी और अमन की तलीम देता है। अमन की तलीम मतलब अमन का ज्ञान देता है, ठीक है ना। अच्छा, इस मज़हब के मानने वाले हिंदू कहलाते हैं। हिंदू ईश्वर पर यकीन रखते हैं, ईश्वर भगवान यानी कि उस पर यकीन रखते हैं। हिंदुओं की पूजा इबादत गाह को मंदिर कहा जाता है। इबादत गाह जिसको नहीं पता है, मतलब कि पूजा पूजा वाली जगह को इबादत कहते हैं, ठीक है ना, उर्दू में इबादत होता है। अच्छा, मंदिरों में देवी देवता और देवताओं की मूर्तियां सजाई जाती है, जिनमें भगवान विष्णु, भगवान श्री रामचंद्र, भगवान श्री कृष्ण, देवलक्ष्मी, माँ शेरांवाली और दीगर देवी देवता शामिल हैं। और भी बहुत सारे, मतलब के दीगर का मतलब और भी बहुत सारे देवी देवता शामिल हैं, ठीक है ना। ये तो एक बहुत अच्छी बात है यार, हमारे पूरे ये यानी कि धर्म के बारे में ये सिखाया गया है, ठीक है। अच्छा, ये मूर्तियाँ किस चीज़ की बनी होती थी? ये मूर्तियाँ मिट्टी, पत्थर, चूने, लकड़ी, सोने और चांदी से बनाई जाती है, ठीक है। और अच्छा, इनमें से अगर कोई मिस्टेक लिखी हुई है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि इनमें क्या गलत लिखा हुआ है, ठीक है ना। वैसे जो लिखा हुआ है वो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, मैं अपने पास से नहीं बता रहा हूँ। अच्छा, स्नान करना इबादत का हिस्सा है। अच्छा जी, दरियाए गंगा में स्नान करना एक सादत है। हम जैसे कि अपनी गंगा में जाकर स्नान करते हैं वो बता रहे हैं जी। अच्छा, हिंदू वेद का मतलब है इलम। इलम का मतलब है जी ज्ञान, ठीक है ना। इलम या जानना, जबकि अनपशुद्ध का मतलब है नज़दीक होकर बैठना। वेद की तादाद चार है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वेद, ठीक है ना। ये है जी हमारे सनातन धर्म की डेफिनेशन। यहाँ पर लिखा है जी, पाकिस्तान में मजहबी त्यौहार भगवान श्री कृष्ण का जन्म, ठीक है ना। ये देख लें जी, इसमें भगवान श्री कृष्ण का जन्म अष्टमी के बारे में बताया गया है। मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ, ठीक है ना। अरे, भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन, जन्म अष्टमी, ये भी बहुत अच्छी ज़बरदस्त पाकिस्तानी गवर्नमेंट काम कर रही है भाई साहब। इसके लिए मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ कि यार बहुत अच्छा काम करी हमारे बच्चों को तो नॉलेज नहीं। जैसे कि मैं इनकी उम्र का था ना, तो मुझे अपने धर्म के बारे में तो बिल्कुल भी जीरो ज्ञान था, क्योंकि हमें पढ़ाया नहीं जाता था। हमें भगवान श्री कृष्ण की पैदाश मथुरा में हुई, जो दरियाए जमुना के किनारे में वाक़ है, और इनके वालिद का नाम वासुदेव था, ठीक है ना। शुमाली हिंदुस्तान में वाक़ मथुरा पर राजा कंस हुकूमत करता था। ये बहुत ज़ालम राजा था। इसने अपने वालिद को कैद करके ये हुकूमत हासिल की थी। इसकी राया इससे खौफ ज़्यादा रहती थी। भगवान श्री कृष्ण को बचपन में बहुत शरीर थे। गोपियां जब दूध के मटके सरों पर रख कर ले जा रही होती तो आप उनके सरों पर ही मटके तोड़ देते। भगवान श्री कृष्ण गोपियों का दूध और मक्खन भी शरारत से चुरा लेते थे, जिसकी वजह से आपको मक्खन चोर भी कहते थे। भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती, ठीक है ना। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु के आठवें अवतार हैं। दुनिया में जहाँ जहाँ हिंदू रहते हैं वहाँ वहाँ भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी बड़े धूमधाम और अकीदत से मनाई जाती है, ठीक है ना। घरों और मंदिरों में रोशनी की जाती है। खास प्रसाद नहायत अकीदत और मोहब्बत से तैयार किया जाता है। तो देख लें दोस्तों, मुझे ये जानकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई है कि पाकिस्तान में भी अब देख लें जी उर्दू में हमारे सनातन धर्म के बारे में ज्ञान दिया जाता है। अब इनमें से कुछ क्या सही है या क्या गलत है ये आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि इनमें से अगर कुछ गलत हो ना, मतलब अगर मैंने जो कुछ भी पढ़ाया आप लोगों को सुनाया है तो वो इस बुक के मुताबिक सुना जो इसमें लिखा था, ठीक है ना। ये है जी आठवीं दीक्षा की किताब है जी, इखलाकियात, ठीक है ना। ये देख लें जी, और यहाँ पर लिखा हुआ जी पाकिस्तान की गवर्नमेंट से ही मंजूर शुदा है पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड, यानी कि जो पंजाब का जो बुक बोर्ड है ना, टेक्स्ट बोर्ड, उनसे ये मंजूर शुदा है, ठीक है ना। तो आप हमें बताएं कि हम अगली वीडियो किस टॉपिक पर लेकर आएँ, इस तरह के आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।